हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ वेस्ट एंड बेस्ट में। सो गाइस, आज मेरे पास ये जो है पुरानी मोबाइल की डिस्प्ले है जो कि पूरी तरह से टूट चुके हैं और बिगड़ी हुई है, तो इससे आज मैं आपको कुछ नया बनाकर दिखाने वाला हूं। जो कि ये मोबाइल की डिस्प्ले होते हैं उसे अगर हम किसी भी शॉप से रिप्लेस करवाते हैं तो वो जो है ऐसे ही कबाड़ में फेंक देते हैं और इसका कोई यूज़ नहीं होता। तो आज मैं इस पुराने डिस्प्ले का आपको एक बहुत सा अच्छा यूज़ बनाते वाला हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सो गाइस, ये रही हमारे डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले जो है पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। अगर आपने भी ऐसे डिस्प्ले रिप्लेस करवाए हैं या फिर आपके पास हैं तो आप उसे कवर मत फेंकिए और इससे कुछ नया बनाइए। तो आप कोई से भी डिस्प्ले ले सकते हो या कीपैड मोबाइल की भी ले सकते हो और स्मार्टफोन की भी ले सकते हो। कोई भी जैसी भी हो, टूटी हो तो भी चलेगी। और उसे हम इस तरीके से खोल लेंगे और इसे आप थोड़ा संभाल के खोलेगा क्योंकि इसमें जो कांच होते हैं वो आपको हाथ में लग भी सकते हैं और आपका हाथ कट चक सकता है। तो इसलिए जो है सेफली इसको जो है पूरा खोल लेना है हमें। और इसके अंदर जो है फ्रेंड्स बहुत सारी परत होते हैं जिसका अलग अलग फॉइल या फिर कागज रखे हुए होते हैं जिससे हमें जो है डिस्प्ले शो करता है। तो इसे हमें सारे निकाल लेना है। तो ये देखिएगा, इस ये जो है एक सीट निकले है और इसका आप डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो है बहुत रिफ्लेक्टेबल होती है और इस पर से जो लाइट बहुत अच्छी तरीके से रिफ्रेश करती है। तो आप इससे जो है कोई भी अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर इससे जो है पूरे कागज का यूज़ कर सकते हैं। अभी ऐसे बहुत सारे जो है परत निकलते हैं जो कि ऐसे लाइट इफेक्ट बहुत अच्छा आता है इसमें से। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे सकता हूँ कि डिज़ाइनिंग के लिए हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारा टॉपिक कुछ दूसरा है तो उसके ऊपर हम जो है अभी बात करेंगे। तो हमें जो है सब निकाल लेनी है। और गाइस, हम इसमें से चाहे हमें ये जो LED दिख रहे हैं आपको, ये LED हमें की जरूर है इसकी। और इसे आज मैं आपको इसे जो है चलाने कर दिखाने वाला हूँ। तो कोई भी डिस्प्ले आप ले लीजिए तो उसमें जो है छोटी छोटी ऐसे LED निकलती है जो कि बहुत अच्छी से ब्राइट होती हैं और बहुत अच्छा रोशनी देती हैं। तो उसे हम निकाल लेंगे। तो इसे पीछे जो सोल्डर किए गए हैं वायर उससे मैं निकाल लूँगा। और अगर आप इस कागज़ को इसके साथ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल निकाल देता हूँ। हाँ, ऐसे ही मैं आपको जला कर दिखाऊँगा। इसके साथ ये जो कागज़ है उसे अगर आप इसके साथ रखते हैं तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और जो है आपके एक कमरे में अगर आप कोने में भी लगेंगे तो पूरा कमरा जो है वो ब्राइट हो जाएगा, इतनी अच्छी इसकी ब्राइटनेस होती है। तो फिलहाल तो हम यहाँ से इसको शोल्डर निकाल कर इसे अलग कर लेंगे और इस LED को मैं आपको चला कर दिखा लूँगा जो कि है पुराने डिस्प्ले में से हम लाए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिएगा, इसमें बहुत सारे LEDs हैं। तो गाइस, ये जो है 12 वोल्ट पे रन करेगी। अगर आप सोचेंगे कि हमारे मोबाइल में जो है 3 वोल्ट की बैटरी होती है तो गाइस हमारे मोबाइल में जो बूस्टर लगा हुआ था उससे जो है ये 12 वोल्ट पे रन करती है। और यहाँ पर 3 पिन लगे हुए हैं, तो एक जो है इसके कॉमन पिन है और 2 पिन जो है वो इसके LEDs की हैं। यानी कि ये जो है एक LED को छोड़कर दूसरे LED जलते ही ऐसे कुछ इसके जो है वायर कनेक्शन होते हैं कि अगर आप 2 वायर कनेक्ट करेंगे तो कुछ LED चलेंगे और दूसरे 3 वायर अगर आप कनेक्ट करेंगे तो सारे LED जलते हैं। तो ये जो है अगर एक LED जलेगी दूसरे नहीं जलेगी ऐसे जो है इसमें कुछ कनेक्शन किए गए होते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप कोई भी LED निकाल तो उसमें जो है 4 पिन भी हो सकते हैं या फिर 2 पिन हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। आप इसके जो है फ्लूड लाइट या फिर स्ट्रीट लाइट भी बना सकते हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको जो है बनाकर दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो फिलहाल ये जो इसकी पिन है वो इसकी जो है प्लस वाली पिन है और ये जो है 2 वो नेगेटिव हैं। तो हम इसे ऐसे ही कनेक्शन कर देंगे, नेगेटिव जो है वो दोनों एक साथ कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव एक वायर हम कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको पहले तसल्ली के लिए जो है इस एडेप्टर से इसे चला कर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है। तो जो पॉजिटिव वाला वायर है वहाँ पॉजिटिव पर लगाएंगे और बाकी जो 2 पिन हैं उस पर बारी बारी से एक एक वायर लगाएंगे हम। और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस पैटर्न में जलती हैं LED। तो गाइस, मैं ये जो है आपको अभी चलाकर दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से चलती हैं।
तो मैं यहाँ पर जो है इसके वायर कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं एडाप्टर से इसे 12 वोल्ट दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो बैटरी से भी इसे दे सकते हैं। तो मैं जो पॉजिटिव वायर है वो पॉजिटिव पिन पर लगाऊंगा, जो नेगेटिव वायर है उसे एक एक करके लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर जो एक एलईडी जल रहे हैं और इस तरीके से, और दूसरे पिन पर लगाऊं तो दूसरे एलईडी जल रहे हैं, मतलब कि ये एक एलईडी छोड़कर जो है दूसरे एलईडी जलती है। इस तरीके से इसके पैटर्न हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो दोनों नेगेटिव वायर हैं उन्हें एक साथ कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव को एक साथ एक कनेक्ट कर देंगे, या ऐसे दो वायर हम निकाल लेंगे। तो मैं यह इसका जो है वायर इसके साथ कनेक्शन करूंगा और फिर मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। अगर आप चाहें तो मैं इसके जो है एक फ्लूइड लाइट या फिर स्ट्रीट लाइट भी बनाकर आपको मैं दिखा सकता हूं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक स्ट्रीट लाइट जो है इससे बनाकर दिखाऊंगा कि जो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती हैं। तो ये देखिएगा इस कुछ इस तरीके से मैंने जो है इसके कनेक्शन कर लिए हैं। दोनों नेगेटिव एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं और पॉजिटिव के साथ एक वायर कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसे जो है 12 वोल्ट डीसी का सप्लाई देता हूं। तो ये देखिएगा इसे बहुत अच्छी तरीके से वो ब्राइट कर रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका ब्राइटनेस कम है तो ऐसा नहीं है, ये कैमरे में आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जो है लाइट बंद करके मैं फिर आपको दिखाता हूं कि कितने ब्राइटनेस है। इसे जो है आप कहीं भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ब्राइटनेस देती हैं फ्रेंड्स। सिर्फ 12 वोल्ट पर वर्क करते हैं। अगर आप इसे 3 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं तो इसके जो है कनेक्शन बदल कर बनानी पड़ेगी। अगर आप मुझे कमेंट में लिखते हैं तो मैं आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगा कि इसे 5 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट पे कैसे रन करें। फिर देखिएगा इस बहुत अच्छी ब्राइटनेस दे रही है। तो आप कोई भी जो पुराना डिस्प्ले है उसमें से लाइट निकाल सकते हैं और उससे जो है एलईडी बना सकते हैं इस तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको लिए एक लेकर आऊँगा, उसमें भी हैं जो पुराने डिस्प्ले से मैं आपको एक जो है फ्लूइड लाइट या फिर कुछ भी बनाकर दिखाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं जो है आगे आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, और बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाले हैं तो उसके लिए सॉरी। मैं आपके लिए अब रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।